Hello everyone, welcome back to Oliveboard. Are you preparing for SEBI examination? If yes, तो there is a motivation for you. क्या है ये motivation? हो सकता है आप बहुत लंबे समय से SEBI examination का वेट कर रहे हो, इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो और प्रिपरेशन करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हो और यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं आपको वही मोटिवेशन देने आई हूँ कि क्यों आपको SEBI ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस पे स्लिप और न्यू पे स्लिप में। यहाँ पर जो रिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है सेबी का, उसमें आपको कुछ हाइक्स देखने को मिलेंगे आपकी सैलरी में। अगर आप लोग भी ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये सैलरी मिल सकती है। तो आइए हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं आपके सैलरी स्ट्रक्चर में। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रेडी कीजिए क्योंकि 27 जुलाई को आपका फेज 1 एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं बेसिक सैलरी स्लिप, ये आपका ओल्ड सैलरी स्लिप है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। यू कैन सी देयर आर 2 पार्ट इन द सैलरी स्लिप, 1 इज अर्निंग पार्ट एंड सेकेंड 1 इज डिडक्शन पार्ट। ओके, अगर हम अर्निंग की बात करते हैं तो बेसिक पे इज 44,500 रुपीज एंड आफ्टर बेसिक पे देयर आर सम अलाउंस लाइक स्पेशल अलाउंस, ग्रेड DA, फैमिली अलाउंस, हाउस, लोकल अलाउंस, स्पेशल कंपलसेटरी अलाउंस, लर्निंग अलाउंस एंड मैनी मोर। तो उसके बाद अगर आप इन सबको सम करते हैं तो टोटल आपकी सैलरी पर मंथ बनती है 1,40,519 रुपीज। ओके, ये तो हो गया आपका सैलरी पार्ट, लेकिन सैलरी में कुछ डिडक्शन होते हैं। इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है, NPS कॉन्ट्रीब्यूशन है, लंच रिकवरी, मेडिकल असिस्टेंट फंड एंड मैनी मोर। तो आफ्टर डिडक्शन आपका जो सैलरी है, अगर आप देखेंगे तो 50,000 रुपीज आपका अप्रोक्सीमेटली डिडक्शन होता है एंड आफ्टर डिडक्शन आपको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो 1,40,000 रुपीज मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज इन हैंड सैलरी आती है। मतलब अगर आप अपना CTC देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीज का CTC है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा CTC यहाँ पर मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली इनकम आपकी 1,40,000 होगी और इन हैंड आपका लगभग 1 लाख रुपीज आएगा और यहाँ पे सम अलाउंस एड ऑन होंगे, तो जिसके बाद आपकी जो अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट होगा वो 1,40,519 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं तो एज पर द एडवांस इंटीमेशन सैलरी विदाउट अकोमोडेशन 1,49,500 एंड विथ अकोमोडेशन 1,11,000 रुपीज ऐसा प्रीवियस एस्टिमेशन था। बट जब डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो डिटेल नोटिफिकेशन में यू कैन सी एज पर द डिटेल नोटिफिकेशन विदाउट अकोमोडेशन यू विल गेट 1,55,000 रुपीज पर मंथ, विथ अकोमोडेशन यू विल गेट 1,16,500 रुपीज। तो यू कैन सी यहाँ पर ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 रुपीज का हाइक आपको देखने को मिल रहा है इस डिटेल नोटिफिकेशन के बाद। तो ये आपकी पर मंथ की सैलरी यहाँ पर बनती है। यू कैन सी यहाँ पर ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक, जिसमें कहा है प्रोविजन, अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पर रिक्रूट होते हैं और क्वालिफाई करते हैं पर्टिकुलर पोस्ट को तो यहाँ पर 2 इयर्स का आपको प्रोविजन पीरियड को सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं पे, तो पे के बारे में यहाँ पे साफ लिखा है अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंस को एड ऑन करते हैं तो यहाँ पर 1,55,000 विदाउट अकोमोडेशन पर मंथ सैलरी होगी एंड विद अकोमोडेशन 1,16,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये मोटिवेशन ही तो है कि नहीं, कि आपको इतना ज्यादा यहाँ पे सैलरी मिलता है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत कर लीजिए और सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक कर लीजिए। अब क्रैक कैसे करना है तो क्रैक करने के लिए कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, सेबी ग्रेड A एग्जामिनेशन कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस विद कॉन्सेप्ट वीडियोज मिलेंगे, डिटेल स्टडी नोट्स, करेंट अफेयर कैप्सूल्स, मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 एंड फेज 2। You can enroll it सिंपली ऑलिववुड के एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए और वहां से आप इसे इनरोल कर सकते हैं। जब ऑलिववुड के एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो वहां पर आपको कई सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलेंगे, तो आप बिल्कुल इसमें इनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।